और इंटरनेशनल मार्केट्स की हालत बहुत खराब है. अमेरिकी बाजारों में भारी भरकम सेल ऑफ देखने को मिला था और इस बीच जो चीन के बाजार से अपडेट्स आ रहे हैं वो भी खराब ही है. चाइना का जो अगस्त का मैन्युफैक्चरिंग डेटा आया है वो 47.1 है और ये लोएस्ट है. ये जो फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग आंकड़े आए हैं ये 6.5 साल के लोज पर आते हुए दिखाई दिए हैं और शंघाई के मार्केट्स आप देखिए लगभग 1% की करेक्टिव मूव दिखा रहे हैं. हैंगसेंग सुबह से ही करीब 350 पॉइंट नीचे है. निकेई भी यानी कि जापान के बाजारों में भी हमने देखा काफी ज्यादा सेल साइड की पोजीशंस बनी हुई है तो 400 पॉइंट की गिरावट झेलता हुआ और एसजेक्स निफ्टी आप देखिए इस बीच पिस रहा है क्योंकि यूएस में एक सेल ऑफ, यूरोप कमजोर था और आज देखिए और काफी समय बाद मैं इस तरह के मूव्स देख रही हूं कि एसजेक्स निफ्टी 100 पॉइंट नीचे यानी कि 8300 का तो साथ इसने छोड़ा ही है और शायद यहां पर एक डीपर करेक्टिव मूव की पूरी पूरी संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है. तो क्यूज जो है वो खराब दिख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट से. क्या इसका फायदा कमोडिटी मार्केट के ट्रेडर्स उठा पाएंगे? कल आपको याद होगा कि सोने में एक अच्छी खासी चमक बनती हुई दिखाई दी थी. 1154 तक के लेवल्स देखे गए हैं और हमारे लिए खासतौर से भारत के मार्केट्स के लिए एक जो पॉजिटिव है कि कच्चे तेल में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है. कच्चा तेल खासतौर से ब्रेंट 46 डॉलर के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर पूरी पूरी संभावना है कि ये 45 तक के लेवल्स को भी टेस्ट करेगा. अनुज गुप्ता हमारे साथ है. अनुज, इक्विटी मार्केट्स के लिए तो खराब दिन है तो क्या आपको लग रहा है सोने में और अग्रेसिव तेजी आ सकती है? गुड मॉर्निंग हजरा. बिल्कुल, अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इंडियन रुपीज का जो डेप्रिसिएशन है उसका काफी सपोर्ट गोल्ड को मिला है. साथ में जो डॉलर इंडेक्स में भी मंदी देखने को मिली है उसका भी काफी हद तक सपोर्ट गोल्ड को मिला है. इवन जो फंडामेंटल फैक्टर्स जो फेड ने मीटिंग में मिनट्स आए हैं वो भी काफी सपोर्टिव रहे हैं गोल्ड के लिए. तो मुझे लगता है कि गोल्ड में थोड़ा सा ट्रेंड जो बिकवाली का था वो थोड़ा सा रिवर्ट हुआ है पॉजिटिव साइड में. तो हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर अभी तेजी ही करनी चाहिए. करीबन 26,700 के आसपास बाय कर सकते हैं. टारगेट हमें लगता है कि 27,000 तक भी देखने को मिल सकता है. ओके, और कच्चा तेल अनुज कितना टूटेगा? अब 46.20 के लेवल्स ब्रेंट दिखा रहा है. कितनी जल्द हम 45 एंड बिलो ट्रेड करेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक तक जो आप लेवल कह रहे हैं 2500 रुपए तक वो लेवल देखने को मिल सकते हैं. 38 डॉलर तक भी लेवल देखने को मिल सकते हैं. हालांकि अभी हम देख रहे हैं, अगर हम पिछले पूरे हफ्ते को देखें तो मार्केट इन लेवल्स के आसपास कंसोलिडेट हुआ है. क्योंकि अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं मार्केट अब ओवरसोल्ड कैटेगरी में, तो मुझे लगता है थोड़ा सा बाउंस बैक आता है वही बिकवाली करने की. तो सेलिंग करने के लिए जो लेवल है वो करीबन 2800 के आसपास का बनेगा. मीन्स करीबन 42 डॉलर, अभी करीबन 41 के आसपास लेवल चल रहे हैं. 42 डॉलर अगर मिलता है नाइमेक्स में तो वहाँ बिकवाली करके चले. एमसीएक्स में नीचे भाव करीबन 2700 रुपए तक आ सकते हैं और नाइमेक्स में करीबन 40 डॉलर तक लेवल देखने को मिल सकते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए. तो क्लियरली 66 तक के लेवल्स करेंसी मार्केट में देखने को मिलेंगे. आज एक अपॉर्चुनिटी है सोने में तेजी की पोजीशंस लेने की, वही कच्चे तेल में बिकवाली की पोजीशन बेस्ट है. लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में वो सेल ऑफ का सिलसिला बरकरार है. 8272 पर एसजेक्स निफ्टी ट्रेड कर रहा है और ऐसे माहौल में ट्रेड करना वाकई में पेचीदा रहेगा. लेकिन सीएनबीसी आवाज आपको अगले आधे घंटे में ऐसे स्टॉक्स बताएगा जिस पर आपको एक अंदाजा लगेगा कि आज कौन से बेस्ट ट्रेड्स रहेंगे. स्टॉक 2020 हाजिर करेंगे आपके लिए आशीष और नीरज इस छोटे ब्रेक.